महाराष्ट्र अधिवेशन में भिवंडी पावरलूम की आवाज विधायक रईस शेख ने उठाया। बता दें, भिवंडी शहर पावरलूम उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन आर्थिक मंदी होने के बाद धीरे धीरे भिवंडी शहर से पावरलूम इंडस्ट्री खत्म हो रहा है। इस बात से अवगत कराने के लिए भिवंडी पूरब के विधायक रईस शेख ने पावरलूम कारखाना और टेक्सटाइल जो भिवंडी शहर से धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर, इस विषय को नागपुर में चल रहे हिवाली अधिवेशन में विधायक रईस शेख भिवंडी शहर को ऐतिहासिक शहर बताकर ये मांग की कि पावरलूम कारखाने और टेक्सटाइल पर महाराष्ट्र सरकार ध्यान दे। साथ ही साथ टोरेंट पावर कंपनी द्वारा किए जा रहे मनमारी कारभार को भी विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष रखा। सम्माननीय सदस्य रईस शेख अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के यूनाइटेड के प्रस्ताव पे मैं अपना मत रख रहा हूँ, और ये मत रखते हुए जो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि 33 महीने की सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार इस बाजू की हो या उस बाजू की हो, रवि राणा जी एक शेर मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं उसके वादे का अब भी यकी करता हूँ, मैं उसके वादे का अब भी यकी करता हूँ, हजार बार जिसको आजमा लिया मैंने। तो बार बार इसी सरकार को आजमाया जाता है। मेरे गांव के मुख्यमंत्री इसलिए तो तारीफ कर रहा हूं कि उम्मीद है उनसे कि कुछ बदलेगा। नहीं, पहले वालों को तो बहुत आजमा दिया, इसीलिए आपने घर पे भेज दिया उनको। कोरगांवकर जी बाजू में, उनको बुरा लग रहा है, लेकिन हाँ, आईना दिखाना हमारा काम है। सत्ता पक्ष के इस प्रस्ताव पे बोलना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर कृषि की बात की गई, माइनिंग की बात की गई। विदर्भ की जमीन से मैं भिवंडी के लिए और पावरलूम इंडस्ट्री के लिए मैं न्याय मांगना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब मैं भिवंडी की बात करता हूँ, भिवंडी, मालेगांव, इचलकरंजी, शोलापुर, ये सभी इलाकों में जो पावरलूम इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके हालात बहुत खराब है। और मुझे इस बात का अफसोस है कि भिवंडी शहर, जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, आज उसकी हालत इतनी खराब है कि हमारे पावरलूम बंद हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो छोटे बिजनेसमैन थे, जो 27 लूम, छोटे लूम लगाते थे, छोटे इन्वेस्टमेंट से काम करते थे, वो बिजनेसमैन से आज नौकरी करने पे मजबूर हो गए। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस बात पर भी लाना चाहूंगा कि अगर सरकार ने साथ दिया, अगर सरकार ने हमारा हाथ थामा, तो चाइना को भी बीट करने का काम भिवंडी शहर कर सकता है। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि मुझे कॉन्फिडेंस है भिवंडी की आवाम में, जहां पे लोगों में टैलेंट है। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी कोई नया शहर नहीं है, आप उसका इतिहास निकालिए, 350 साल पुराना शहर है, और ये इंडस्ट्री वहां पे 100 साल से पुरानी है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा जो मसला है, 7.5 लाख से ज्यादा पावरलूम हमारे यहाँ पर है, 4 से 5 लाख लोग इसमें काम करते हैं, लेकिन सरकार की निग्लेक्ट की वजह से आज पावरलूम इंडस्ट्री की हालत खराब है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम अध्यक्ष महोदय क्या है, ये कि यान में जो फ्लक्चुएशन है, और मैं कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार जिस तरह से बड़े उद्योग को प्रोत्साहन देती है, उससे कुचला जाता है कौन, एक छोटा कारोबार करने वाला, मिडिल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नितेश रानी जी, आपके सम्माननीय पिताजी के पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लेकिन आप सोचिए भिवंडी के लिए, यान के फ्लक्चुएशन ने भिवंडी, मालेगांव, इचलकरंजी, शोलापुर सारी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। और दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि आज हमारे पावरलूम को कैपिटल की जरूरत है, अपग्रेडेशन की जरूरत है, अध्यक्ष महोदय, स्किल ट्रेनिंग की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, जब टेक्सटाइल पार्क की बात की जाती है, केंद्र सरकार जब महाराष्ट्र शासन को कहती है टेक्सटाइल पार्क बनाइए, तो वो अमरावती में बनता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे अमरावती में बनने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर सही मायनों में महाराष्ट्र में अगर किसी का हक है टेक्सटाइल पार्क का, तो वो भिवंडी शहर का अध्यक्ष महोदय, उसके बाद मालेगांव का अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ ये जुल्म किया जा रहा है कि आज लावारिस की तरह भिवंडी को छोड़ा गया। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पे पावरलूम जो इंडस्ट्री है, वो टोरेंट पावर कंपनी की सप्लाई के ऊपर है। मैं वारंवार इस सदन में कह चुका हूं कि टोरेंट पावर कंपनी एक ऐसा साहूकार आपने भिवंडी में भेजा है, जो भिवंडी का खून चूस रहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है, मैं चंद्रकांत दादाजी से मिला था और मुझे बहुत उम्मीद हुई, क्योंकि मैं कई मिनिस्टर से मिल चुका हूं अलग अलग विषय पे, लेकिन टेक्सटाइल पे उनका ज्ञान और उनका कमिटमेंट बहुत है। सरकार नई टेक्सटाइल पॉलिसी जब बना रही है, तो मुझे यह कहना है कि इन बातों का उसमें समावेश किया जाए। अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल के लिए मुझे उम्मीद है कि सरकार एक पॉलिसी लाएगी, क्योंकि टेक्सटाइल आज एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, भिवंडी सबसे बड़ा जीएसटी कॉन्ट्रीब्यूटर है। अध्यक्ष महोदय,